नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि इंदिरा और फिरोज के बीच प्रेम कैसे हुआ और कैसे दोनों ने पंडित नेहरू की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि इंदिरा नेहरू परिवार से थी, फिरोज पारसी थे, दोनों अलग अलग धर्म के थे, लेकिन इन दोनों के नाम के साथ गांधी कैसे जुड़ा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंदिरा और फिरोज के रिश्ते क्यों खराब हुए शादी के बाद में। पंडित नेहरू फिरोज को नापसंद करते थे और इंदिरा से अलग होने के बाद फिरोज किस लड़की के प्रेम संबंध में बंध गए थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं थे। इंदिरा ने गुजराती पारसी फिरोज गांधी से शादी की थी। इंदिरा के लिए पंडित नेहरू इस शादी के लिए खुश नहीं थे, लेकिन इंदिरा ने अपनी मर्जी के मुताबिक शादी की। लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा हुए उससे दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो गई। इंदिरा इलाहाबाद से ही फिरोज को जानती थी, लेकिन ब्रिटेन में रहने के दौरान दोनों में अक्सर मुलाकातें होती थी। 16 साल की उम्र में इंदिरा फिरोज का पहला प्रपोज ठुकरा चुकी थी, लेकिन उसके 3 साल बाद जब इंदिरा की माँ की मौत हुई और पिता स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से बाहर रहते थे, तो फिरोज ही इंदिरा का अकेलापन दूर करने वाले शख्स थे। देहरादून जेल में बंद नेहरू को जब इंदिरा ने शादी के बारे में बताया था, तब नेहरू भावुक हो गए थे, क्योंकि इंदिरा की तबीयत भी सही नहीं रहती थी। डॉक्टरों ने उन्हें इतने कमज़ोर स्वास्थ्य के मद्देनज़र प्रेगनेंसी के खिलाफ सावधान किया था, लेकिन इंदिरा जो अब फिरोज से शादी का फैसला कर चुकी थी, अब वो राजनीति से दूर फिरोज के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी। 1942 में दोनों ने शादी की, 1944 में राजीव गांधी का जन्म हुआ। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इंदिरा के मन में राजनीति और सत्ता के प्रति मोह बढ़ने लगा। इसलिए इंदिरा पंडित नेहरू की सेक्रेटरी बन गई और आज़ाद भारत में सत्ता और सिस्टम को करीब से देख और समझ रही थी। हालांकि वो नेहरू के मामलों में दखल नहीं देती थी, लेकिन राजनीति को बेहद करीब से समझ रही थी, और ये चीज़ फिरोज को ज़्यादा पसंद नहीं थी। फिरोज शाफगोई पसंद आदमी थे, उन्हें जो बात पसंद नहीं होती थी वो बोल देते थे। इधर इंदिरा ने पति के बजाय इलाहाबाद में पिता पंडित नेहरू के साथ आनंद भवन में रहने का फैसला लिया, क्योंकि उनका तर्क ये था कि पंडित नेहरू काफ़ी व्यस्त रहते हैं, घर में आने जाने वाले लोगों की बहुत संख्या ज़्यादा है, उनके पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उनकी माता का निधन पहले ही हो चुका था। इस वजह से इंदिरा ने अपने पति को साथ रहने की बजाय पिता के साथ रहने का फैसला लिया। इस बीच फिरोज ने अखबार नेशनल हेराल्ड का कार्यभार संभाल लिया। इस अखबार की स्थापना 1937 में नेहरू ने की थी। इंदिरा से अलग होकर फिरोज लखनऊ में एक मशहूर जमींदार मुस्लिम परिवार की एक महिला के प्रेम में पड़ गए। इंदिरा तक जब ये बात पहुंची, तब वो दोबारा गर्भवती हो चुकी थी और दिसंबर 1946 के अंत में डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि राजीव गांधी का पहले जन्म हो चुका था और संजय गांधी उस वक्त उनके गर्भ में थे। पति पत्नी के संबंध और बिगड़ते गए, दोनों राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन निजी और राजनीतिक मतभेद भी बढ़ते गए। सितंबर 1958 में इंदिरा पिता के साथ भूटान दौरे पर गई। इंदिरा ने वर्षों बाद घर और राजनीति की तनाव से निजात पाई, लेकिन सफ़र के बीच में ही उन्हें संदेश मिला कि फिरोज को दिल का दौरा पड़ा है। जब तक इंदिरा लौटी, फिरोज खतरे से बाहर हो गए थे, लेकिन मानवीय स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि प्रेमी पर कोई खतरा आता है तो इंसान गिले शिकवे भूल जाता है और उनके बीच प्रेम की फसल फिर हरी हो जाती है। इसके बाद दोनों में समझौता हो गया और साथ में रहने लगे, पुरानी यादें सजीव हो उठी। दोनों बेटों के साथ वे एक महीने की छुट्टी पर श्रीनगर चले गए। वहाँ राजीव और संजय गांधी के साथ पूरे परिवार ने खूब एंजॉय किया। इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी की प्यार से सेवा की, लेकिन दिल्ली आते ही ये करीबी फिर दूरी में तब्दील हो गई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इंदिरा का नाम प्रस्तावित किया गया। फिरोज को अपने शादी के रिश्ते का ये आखिरी प्रहार लगा। वो अपने घर में ही सिमट गए और प्रधानमंत्री के घर आना जाना बंद कर दिया। 2 फरवरी को 41 साल की उम्र में इंदिरा कांग्रेस की अध्यक्ष चुन ली गई। इधर कुछ ही वक्त में अपने 48वें जन्मदिन से 2 दिन पहले फिरोज गांधी चल बसे। इंदिरा भाव शून्य थी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे, लेकिन इंदिरा को वो पल भी याद थे जब दोनों के रिश्ते बेहद मधुर थे। पंडित नेहरू और फिरोज के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। नेहरू फिरोज को कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिरोज की अंतिम यात्रा में आई भीड़ देखकर पंडित नेहरू भी अचंभित रह गए।
तो दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इंदिरा और फिरोज के रिश्ते के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपके पास इस रिश्ते के बारे में और भी कोई जानकारी हो तो वो भी बताइए और हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में भी बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।